एम्स में ऑल इंडिया रैंक थर्ड के साथ एकमात्र सिलेक्शन। ब्रेन मास्टर्स क्लासेस है MPCG का नंबर वन मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। बाबा ब्रदर्स G7 बाबा दीप कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन के सामने सियागंज इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंह तोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल स्कीम नंबर 54 विजयनगर इंदौर। PNG क्लासेस हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर 6 MG रोड इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा वन बैंक कॉलोनी अपोजिट दशरथ मैदान अंटीना रोड इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स G8 G9 न्यू सियागंज VIP रूट नंबर 1 इंदौर। होटल एकेडमी प्रोफेसर कॉलोनी भवरकुआ चौराहा मेन रोड इंदौर। डंपर व्यवसाय की सनसनीखेज हत्या। हथियारों ने फ्लैट में चाकू से गोद कर उतारा मौत की घाट। शरीर पर मिले चाकू के 6 से ज्यादा निशान। तेज गति से दौड़ रहे स्कॉर्पियो ने मारी 3 बाइक सवारों को टक्कर। बाइक सवार 3 लोग हुए घायल। दुर्घटना से लगा जाम। मुस्लिम व बौद्ध समाज ने कमिश्नर को दिया ज्ञापन। फेसबुक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। मुस्लिमों ने आसाम व म्यांमार में हो रही हिंसा पर जताया विरोध। तो वहीं बौद्ध अनुयायियों ने कैलिफोर्निया में जूतों पर भगवान बुद्ध की तस्वीरों का किया विरोध। और बदमाशों की पुलिस को चुनौती। थाने के नजदीक नकली पुलिस बन डॉक्टर को ठगा। वहीं पुलिस की मौजूदगी के बीच अन्नपूर्णा रोड पर महिला से लूटी चेन। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में डंपर व्यवसायी की अज्ञात बदमाशों ने उसके ही फ्लैट में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। व्यवसायी के शरीर पर चाकू के करीब आधा दर्जन घाव है। फ्लैट में हत्या के पहले हुए संघर्ष के भी निशान मिले हैं। मृतक व्यवसायी मूलतः सागर का रहने वाला था और अपने काम के सिलसिले में कुछ समय से इंदौर में रह रहा था। शनिवार सुबह अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के मिश्र नगर के मीराश्री अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 में डंपर व्यवसायी अनिश राजपूत की रक्त रंजित लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अन्नपूर्णा पुलिस के मुताबिक दोपहर में विनित नामक शख्स की शिकायत पर मीराश्री अपार्टमेंट के फ्लैट का ताला तोड़ा तो कमरे में अनिश राजपूत मूल निवासी सागर का रक्त रंजित शव मिला। युवक के गले और शरीर पर चाकू के वार से हुए करीब आधा दर्जन निशान मिले। वहीं कमरे में पुलिस को एक एयर गन भी मिली। पूरे कमरे में जगह जगह खून के निशान भी थे, जिससे ये साफ हो जाता है कि हत्या के पहले कमरे में काफी संघर्ष हुआ होगा। पश्चिम क्षेत्र के SP अनिल कुशवाहा ने बताया कि अनिश की चाकू से गोद कर हत्या की गई है। वहीं SP ने हत्या आधी रात के बाद किए जाने की बात भी कही। एक अनिश ठाकुर नामक एक कराता था, जो बेसिकली यहां पे रहने वाला सागर का और यहां डंपर उम्पर उनकी जगदो चलती है। तो उनकी एक खबर मिली कि उनका दरवाजा बंद है तो बाहर से लगा हुआ है और वो अंदर में उनके टूट लगी है और साथ मर्डर हुआ है। उसी आधार पर पुलिस यहाँ आई थी और उसको काफ़ी 4-5 स्टेबिंग वुंड है और क्या इनकी राइवलरी थी, क्या चीज़ें थी, अभी हम उसको पता उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि घटना अभी की जानकारी 1 घंटे पहले या आधा घंटा पहले लगी है। 12:30-1 बजे तक उनकी अपनी मंगेतर से उनसे बातचीत हुई है, तो उसके बाद ही कोई बात हुई होगी तो लेट नाइट की घटना हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार अनिश कंस्ट्रक्शन और डंपर के व्यवसाय से जुड़ा था और पिछले कुछ समय से मिश्र नगर में फ्लैट किराए से लेकर रह रहा था। मृतक अनिश की कुछ दिन पहले इंदौर की दीपिका से सगाई हुई थी। घटना स्थल पर पहुंची अनिश की मंगेतर दीपिका ने पुलिस को बताया कि उसके शुक्रवार रात लगभग 11 बजे अनिश से बात हुई थी। वहीं सुबह जब उसने दोबारा फोन लगाया तो अनिश ने फोन नहीं उठाया। तब दीपिका ने उसके दोस्त विनित को अनिश को देखने के लिए कहा। विनित ने जब फ्लैट पर जाकर देखा तो वहां ताला लगा था और अनिश का फोन कॉल करने पर अंदर ही बज रहा था। फिलहाल अन्नपूर्णा पुलिस ने मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है। अन्नपूर्णा मेन रोड पर शनिवार दोपहर बदमाश एक महिला के गले से सोने की चेन लूट ले गए। घटना के वक्त फरियादी महिला बस स्टॉप पर अपनी बेटी के स्कूल से लौटने का इंतजार कर रही थी। बदमाशों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब पुलिस कुछ ही दूर एक व्यवसायी की हत्या के बारे में पूछताछ में जुटी थी।
पश्चिमी क्षेत्र के तमाम आला अधिकारी जिस वक्त व्यवसायी की हत्या की शुरुआती जांच में जुटे थे, उसी वक्त बेखौफ बदमाश प्रियकांकु कॉलोनी में रहने वाली रेखा पति रवि के गले से सोने की चेन लूटकर भाग निकले। फरियादी रवि के अनुसार रोजाना दोपहर उनकी पत्नी रेखा मेन रोड पर अपनी बेटी सिद्धि के स्कूल से वापस लौटने का इंतजार कर रही थी, तभी बाइक सवार दो बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे गए। तो दो सब्जी वाले वहाँ खड़े हुए थे, तो अग्रवाल स्कूल की मैडम ने पूछा किसको लेने आए, मतलब मेरी बच्ची को लेने आया हूँ, लेने आई हूँ। बोलो कौन से स्कूल में? वैष्णो स्कूल में। तो उनने तो एक दो बाइक वाले आए और फिर से चेन खींच के एकदम अपने चौथा मंडी के तरफ भागे। मैडम ने देखा नहीं क्या? अरे सर, कोई भी लेडीज होगी कि मैं भी आया तो आपका यूँ हाथ मारूँगा तो आपकी वजह नहीं चीज झुकेगी। मुँह पर कपड़ा बांध देते ऐसा कुछ बताया? खुला था, दुबला पतला छोटा था, ब्लैक कलर की बाइक। अन्नपूर्णा पुलिस ने लूट का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पड़ोसी देश म्यांमार में मुसलमानों पर हो रहे कत्लेआम, आसाम में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और फेसबुक पर आए दिन हो रही साजिश के तहत धार्मिक भावनाएं भड़काने का इंदौर के मुस्लिम समाज ने विरोध किया है। समाजजनों ने षड्यंत्र रोकने के मामले में शनिवार को कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। वहीं कैलिफोर्निया की आइकॉन शू कंपनी द्वारा जूतों पर भगवान बुद्ध की तस्वीर अंकित करने के खिलाफ बौद्धजनों ने भी कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की तानाशाही हुकूमत ने वहां के स्थायी मुस्लिम नागरिकों का खुलेआम कत्लेआम मचा रखा है। मुस्लिम समाज ने आरोप लगाया है कि देश के आसाम प्रांत में वहां की प्रांतीय सरकार ने मुस्लिम विरोधी अत्याचारों को रोकने का प्रयास तक नहीं किया। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब, कुरान, मक्का और मदीना के बारे में अनग्रल टिप्पणी और अश्लील फोटो अपलोड करने के विरोध में शनिवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने सभागायुक्त कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शहर काजी इशरत अली ने समाज के युवाओं से आह्वान किया कि वे अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दें। उसके बाद उन्होंने कमिश्नर कार्यालय पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। शहर काजी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्मों को रोकने के लिए भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करे और मुसलमानों में सुरक्षा का विश्वास पैदा करने के प्रयास भी करे। भारत सरकार और भारत जो एक सांप्रदायिक कंट्री नहीं है, सेकुलर कंट्री है, हर इंसान को रहने का बराबर का हक है यहाँ पर। अगर आसाम में कुछ ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि विदेशी लोग हैं तो उनको उनके देश भेजा जाना चाहिए, ना कि उनको मारा जाना चाहिए। ऐसा वो नियम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि कोई देश का निवासी आ जाए तो उसको मार डाले, काट डाले जाए। तो एक तो ये भारत सरकार से ये मांग थी कि यूएनओ पे और दबाव डालना है कि वहाँ पर जो कत्लेआम हो रहा है म्यांमार में उसको रोका जाए। वहीं दूसरी ओर बौद्ध समाज के लोगों ने अमेरिका में आइकॉन शू कंपनी के जूतों पर भगवान बुद्ध की तस्वीर अंकित करने के मामले में कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास पहले भी कई मर्तबा हो चुका है। शनिवार सुबह सैर करने निकले डॉक्टर को दो बदमाशों ने नकली पुलिस बनकर ठग लिया। खेल प्रशाल के सामने बदमाश फरियादी से सोने की चेन और अंगूठी ले उड़े। घटना के बाद से फरियादी इतना घबराया है कि उसने मामले की रिपोर्ट तक नहीं करवाई है। रेसकोर्स रोड पर डॉक्टर गोविंद चवर निवासी सौभाग्य अपार्टमेंट को बाइक सवार दो बदमाशों ने उस वक्त नकली पुलिस बनकर ठगी का शिकार बनाया जब वे सुबह की सैर करने निकले थे। तुकोगंज पुलिस के मुताबिक फरियादी झवर रोजाना की तरह रेसकोर्स रोड पर घूम रहे थे, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने डॉक्टर झवर और एक अन्य युवक को रोका। बदमाशों ने नकली पुलिस बनकर पहले वहीं खड़े एक युवक की चेन अंगूठी उतारकर चेकिंग की और वापस लौटा दी। बदमाशों ने वहीं खड़े डॉक्टर गोविंद जौहर की भी तलाशी ली और चेन अंगूठी उतरवाकर रुमाल में रख दी। बदमाशों के जाने के बाद शक होने पर जब जौहर ने रुमाल खोला तो पता चला कि रुमाल में असली की जगह नकली जेवर रखे थे। दो व्यक्ति ओवरटेक करते हैं उनको और ओवरटेक के बोलते हैं कि मैंने आपको आवाज दे रहा हूँ, कब से आप रुके क्यों नहीं, हम पुलिस वाले हैं। उतने में उसके एक और व्यक्ति पैदल जो आता है उसको भी रोकते हैं, उसकी भी चेकिंग करते हैं और गले से चेन और अंगूठी उतारते हैं, वापस उसको रुमाल में दे देते हैं, वो चले जाता है। फिर जो फरियादी है जो गोविंद जा सेम उसके साथ वैसे ही घटना होती है, उससे भी चेन और अंगूठी लेते हैं और वापस उसको देख के वापस रवाना कर देते हैं। जब वापस फरियादी थोड़ी देर वापस जाता है और चेक करता है अपना रुमाल तो चेन और अंगूठी गायब मिलती है।
वहीं घटना के बाद से ही झवर परिवार इतना डरा हुआ है कि उन्होंने घटना के बाद पुलिस में मामला ही दर्ज नहीं कराया है। एनजी रोड पर एक चार पहिया वाहन चालक की गलती से लंबा जाम लग गया। स्कॉर्पियो के चालक ने पहले इंद्रप्रस्थ चौराहे पर तीन बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद माहौल बिगड़ता देख गाड़ी छोड़ भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद चौराहे पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई, वहीं दुर्घटना में तीन लोग घायल हुए। शनिवार को शहर के व्यस्ततम मार्ग एमजी रोड पर पलासिया से रीगल की ओर जा रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने रेड लाइट क्रॉस करने के चक्कर में तीन बाइक सवारों को घायल कर दिया। वाहन चालक ने पहले आगे की ओर दो पल्सर चालकों को फिर रिवर्स लेने के चक्कर में पीछे की ओर एक वाहन चालक को टक्कर मार दी। घटना से गुस्साए लोगों ने जब उसकी धुनाई शुरू कर दी तो चालक गाड़ी 20 सड़क पर छोड़ भाग खड़ा हुआ। गाड़ी की वजह से इंद्रप्रस्थ टावर से पलासिया तक गाड़ियों की गति धीमी हो गई। लास्ट सिग्नल में घुस गया था। अंकल जी भैया, अंकल जी को लगी, अंकल जी गिर पड़े थे, अंकल ने बच्चे को स्कूल भेजा पहले। तो उसके बाद वो ड्राइवर एक और उधर से पीछे भैया खड़े थे, उसके जाने उसको पाँव धो दिया, पूरे गाड़ी के नीचे आ गए। वो गाड़ी वो पल्सर से ले पुलिस ने घटना के बाद गाड़ी को जब्त कर लिया है। पुलिस अब वाहन मालिक को खोज कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कर रही है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लंदन ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाले विजय कुमार की जीत की खुशी महू के आर्मी एरिया में खास तौर पर नजर आई। विजय महू में सूबेदार के पद पर पदस्थ है। विजय की जीत पर आश्वस्त आर्मी के अफसरों ने उन्हें बधाई दी। विजय कुमार की जीत की जैसी खुशी कल उनके गृह नगर हिमाचल में बनी वैसा ही नजारा महू के आर्मी कैंप में भी था। दरअसल विजय महू में सूबेदार के पद पर पदस्थ है। जैसे ही विजय ने सिल्वर पर निशाना साधा वैसे ही विजय के साथी और अफसर खुशी से झूम उठे। सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर यही जश्न मनाया। विजय की जीत के बाद कर्नल सरन ने कहा कि वे विजय की जीत के प्रति आश्वस्त थे। सरन ने इस जीत का सहरा आर्मी की विशेष ट्रेनिंग को देते हुए कहा कि आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन आर्मी के खिलाड़ी करेंगे। इसका श्रेय जो मैं मेन मानता हूँ आर्मी का जो सपोर्ट है और आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट की जो टीम है और उसमें कोचिंग का सपोर्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट हो और जो यहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको बनाए जाना, उनका पालन होना, उनका एग्जीक्यूशन होना, वो एक बहुत बड़ा सार्थक है। शकर बाजार में सुबह नगर निगम के रिमूवल दस्ते ने एक खतरनाक मकान को गिराने की कार्रवाई की। अमला मकान का कुछ हिस्सा गिरने के बाद मौके पर पहुंचा था। बारिश से पहले नगर निगम ने शहर में मौजूद खतरनाक मकानों की सूद नहीं ली। नतीजा मकान अपने आप धराशायी हो रहे हैं और उनके बचे हुए हिस्से को नगर निगम का अमला हटा रहा है। बाजार में स्थित श्रीमाल समाज का बरसों पुराने भवन का एक हिस्सा शनिवार सुबह गिर गया। भवन में कोई रहता नहीं है, इस वजह से वहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है। 5/1 शक्कर बाजार श्रीमाली समाज का मकान लंबे समय से खतरनाक है। पीछे बार बार पीछे का हिस्सा जो अत्यंत खतरनाक होने से गिराया गया है। अभी सामने मंदिर भी था, उसको भी मूर्ति वगैरह ने समाज ने बस हटा ली है, तो उसको गिराने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम का रिमूवल अमला मौके पर पहुंचा और मकान का खतरनाक हिस्सा हटाया। भोपाल से इंदौर आ रही एक यात्री बस शनिवार दोपहर शिप्रा के पास पलट गई। हादसे के वक्त बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। हादसे में 5 यात्री घायल हो गए। सभी यात्रियों को उपचार के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है।
भाजपा जिस मनोज परमार नामक गुंडे को भाजपा का ना बताते हुए पल्ला झाड़ने में लगी हुई है, उसके भाजपाई होने का कांग्रेस ने सबूत सामने ला दिया है। कांग्रेस ने शनिवार को उस नियुक्ति पत्र को सार्वजनिक किया है जिसमें मनोज परमार के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जल प्रकोष्ठ के सदस्य होने का जिक्र है। कांग्रेस ने नियुक्ति पत्र को सार्वजनिक करते हुए कहा कि गोलीकांड के बाद हो रही बदनामी को भाजपा छुपाने में लगी हुई है। विगत दिनों जो भूतेश्वर भगवान की बारात निकली थी तो उसके अंदर एक गोलीकांड हुआ था जिसमें मनोज परमार नाम का एक शख्स घायल हुआ था और उसमें विधायक सुदर्शन गुप्ता पर आरोप लगा था और 307 का प्रकरण दर्ज हुआ था। भाजपा में इंदौर से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा से लेकर शरद शंकर ललवानी ने बयान जारी करके कहा था कि मनोज परमार नाम का शख्स हमारी पार्टी में 2 रुपये का प्राथमिक सदस्य भी नहीं, किसी पद पर नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने सारे कंप्यूटर खंगाल लिए, उसमें कहीं भी इस नाम का कोई रिकॉर्ड भाजपा के रूप में दर्ज नहीं। आज हमने एक रिकॉर्ड जारी किया जिसमें यह साबित हो रहा है कि मनोज परमार भारतीय जनता पार्टी के जल प्रकोष्ठ का प्रदेश कार्य समिति सदस्य 15 मार्च 2012 में बना। हमने आज उसका नियुक्ति पत्र प्रदेश संयोजक जो जल प्रकोष्ठ के मदन साकला के हस्ताक्षर वाला जारी किया और भाजपा के झूठ को उजागर किया और हमने भाजपा से सवाल करें कि एक बार फिर आपकी कथनी करनी उजागर हुई है, आपने उस समय कौन सा कंप्यूटर खंगाला था और जब आप कह रहे प्राथमिक सदस्य नहीं तो आपने प्रदेश पदाधिकारी किस हिस्से से बनाया, क्या इसी प्रकार आप गुंडों को पद बांटते रहेंगे, क्या इसी प्रकार आपका झूठ उजागर रहेगा, ये सब सवालों के जवाब आज हमने भाजपा से मांगे हैं। गुंडे मनोज परमार की नियुक्ति पत्र को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा पर भी निशाना साधा है। मनोज परमार गोलीकांड में भले ही पुलिस ने विधायक सुदर्शन गुप्ता को मौखिक रूप से बाहर कर दिया हो मगर अब तक पुलिस खुद से पूछे जा रहे सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। साथ ही साथ कुछ अपने को बैलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है और भी कुछ वीडियोग्राफी वीडियो फुटेज है जिसके आधार पे, चूँकि ये तो बियॉन्ड डाउट है कि उससे गोली लगा, तो फिर गोली लगा तो किसने लगा मारा था। जब तक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता हम लोग ये उचित नहीं समझते कि कोई कंक्लूजन पे चले। लेकिन अभी तक जितने तथ्य हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि एलिगेशन फॉल्स है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंदौर में भाजपा की गुंडागर्दी चरम पर है, भाजपा ने इंदौर को गुंडागर्दी में डुबो दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर यह हमले शनिवार की शाम मीडिया से चर्चा के दौरान बोले। उन्होंने विमानतल पर चर्चा के दरमियान आगे कहा कि भाजपा ने गुंडागर्दी का ठेका ले रखा है, गुंडों को भी भाजपा का सीधा संरक्षण प्राप्त है। पहली बात तो यह है कि जिसके ऊपर हमला हुआ गोली चली, भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष कहते हैं कि वो उनका कोई सदस्य नहीं था, लेकिन ये हमारे पास प्रमाण है जिसमें ये मनोज परमार प्रदेश कार्यकारी समिति का सदस्य है। अब ये इसकी हम लोग बात माने या प्रभात झा जी की बात माने, बात यह है कि इंदौर शहर को भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर गुंडागर्दी में डुबा दिया है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि भाजपा का उनको खुला संरक्षण है और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर में न केवल गुंडागर्दी का ठेका लिया हुआ है, अवैधानिक वसूली का ठेका लिया हुआ है और जमीनों में हेराफेरी करने में उन्होंने पूरा सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मनोज परमार नामक गुंडे को गोली मारने के बाद भाजपा के विधायक सुदर्शन गुप्ता पर लगे आरोपों के संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सुदर्शन ऐसे व्यक्ति नहीं है, फिर भी प्रकरण वापस लेने के पहले मामले की जांच होना चाहिए। पुलिस ने जिस तरह से पूरा मामला वापस लेने की बात कही तो क्या कहीं ना कहीं दबाव लग रहा है आपको? पूरा दबाव है जबकि शुरू में FIR में इनका नाम था, सारी बात थी तो इस बात को कार्रवाई होना चाहिए थी। जांच भी नहीं की जा रही है और उसके बिना ही हटा दिया। ये है कि अब सुदर्शन गुप्ता ऐसे व्यक्ति तो नहीं है कि गोली मारेंगे, लेकिन अगर शिकायत आई है तो उसकी जांच तो होना चाहिए। इसके अलावा MPCA के चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुंडागर्दी से MPCA पर कब्जा जमाना चाहते हैं जो कांग्रेस पूरा नहीं होने देगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दमखम के साथ चुनाव जिताएगी। ये तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने बेहद ये दादागिरी से वो काम कर रही है। मैं चाहूँगा वही सदस्य बनेगा, मैं नहीं चाहूँगा वो सदस्य नहीं बनेगा,
जिस तरह से जिला क्रिकेट एसोसिएशन और डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन पर इसी प्रकार की दादागिरी से कैलाश विजयवर्गीय जी ने कब्जा किया है, उसी तरह से वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन करना चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी के लिए दृढ़ता से उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। हमने ऐसे बहुत हाथी देखे हैं। अन्ना हजारे द्वारा राजनीतिक पार्टी बनाए जाने के सवाल पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम अन्ना के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और वे हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। विजयवर्गीय द्वारा हाथी की तरह चलने संबंधी दिए गए बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने बहुत हाथी देखे हैं। राला मंडल अभयारण्य में वन महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में खास तौर पर वन विभाग के अमले के साथ महापौर ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साल दर साल शहर का तापमान बढ़ोतरी के चलते महापौर ने अभयारण्य के अलावा शहर में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की बात कही। महोत्सव में खासतौर पर स्कूली बच्चों ने भी अभयारण्य में पौधारोपण किया, साथ ही शहर में हरियाली बनाए रखने की बात कही। राला मंडल अभयारण्य के साथ शहर के आसपास के वन क्षेत्र में वन विभाग 1,00,000 पेड़ लगाएगा। महापौर ने महोत्सव के अवसर पर शहर में हरियाली बनाए रखने के लिए और 50,000 पेड़ लगाने की बात कही। नहीं, ऐसा है कि इंदौर का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, जल स्तर लगातार घट रहा था और ये बहुत चिंता का विषय था और इसको रोकने के दो ही उपाय हैं कि एक तो बहुत बड़ी संख्या में प्लांटेशन किया जाए और दूसरी बात यह कि जमीन का जल स्तर भी मेंटेन किया जाए। पिछले वर्षों में इसके ऊपर प्रयत्न हुए और मैं समझता हूँ कि पिछले वर्ष भी 50,000 से ऊपर प्लांटेशन ये फॉरेस्ट विभाग ने किया था, लगभग 30,000 के करीब प्लांटेशन ये नगर निगम ने किया था। इस बार फॉरेस्ट विभाग शहर के आसपास लगभग 1,00,000 प्लांटेशन करेगा और लगभग 50,000 प्लांटेशन ये नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। राला मंडल अभयारण्य में स्कूली बच्चे भी वन महोत्सव मनाने पहुंचे, जहां बच्चों ने मिलकर पेड़ लगाया और साथ ही पेड़ को राखी बांधकर पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प भी लिया। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहां सभी बच्चे बहुत ही जोर से एक एक पेड़ लगा रहे हैं और उसके आसपास डेकोरेशंस कर रहे हैं। तो हम बस यही चाहेंगे कि इसी तरह धरती का हर एक व्यक्ति पेड़ लगाए जिससे हमारी धरती हरी भरी हो जाए। मैं बस यही बोलूंगी कि मुझे नहीं लगता कि आप बाहर जाके लगा पाएंगे। अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आप चाहें तो अपने घर में रोज, भले ही आप हफ्ते में दो पेड़ लगाएं, तो इससे हमारी धरती को बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही महोत्सव के अवसर पर राला मंडल अभयारण्य स्थित गार्डन में वन विभाग और निगम के आला अधिकारियों ने सैकड़ों पेड़ लगाने की योजना भी बनाई। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शहर में पिछले कुछ समय में बढ़ते अपराधों और पुलिस अधिकारियों की कमी पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी क्या की, सरकार ने थोकबंद तबादलों की झड़ी लगा दी। इसी झड़ी के चलते अब शहर में पदोन्नति और तबादलों की बदौलत 2 दर्जन से अधिक अधिकारी मौजूद हैं। इस वक्त शहर में 1 DIG, 3 SP, 9 additional SP और 16 CSP नियुक्त है। पिछले दिनों पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणी का जवाब अपने ही तरीके से देते हुए SSP सिस्टम को खत्म कर दिया गया। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर ने ताबड़तोड़ नए पदों के निर्माण और पुराने पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। इसी के चलते प्रदेश में धड़ल्ले से SP, ASP और CSP के प्रमोशन और तबादले किए गए। पहले चरण में DIG सिस्टम के तहत डॉक्टर आशीष सिंह SP, हेडक्वार्टर OP त्रिपाठी SP, पूर्व और अनिल कुशवाहा SP पश्चिम के पद पर पदस्थ किए गए। ASP के पदों पर दिलीप सोनी पूर्व जोन 1, रामजी श्रीवास्तव जोन 2 और अंजना तिवारी को ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा CSP के पदों पर SM जैदी संयोगितागंज, RS गुरैया अनपूर्णा और CPS ठाकुर महू की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में पदोन्नत होकर CSP से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बने जितेंद्र सिंह को इंदौर में ही रखा गया है।
अगर पदों के मान से देखा जाए तो अब तक हुए तबादलों के बाद इंदौर में कुल 3 SP, 9 ASP और 16 CSP मौजूद हैं, जिनमें 6 CSP पदोन्नति के बाद शहर से जाने की तैयारी में है। वहीं कुछ CSP ऐसे भी हैं जो इंदौर भेजे गए हैं, मगर फिलहाल उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। शहर में थोकबंद अधिकारियों का तबादला भले ही सरकार द्वारा कर दिया गया हो, मगर देखना यह होगा कि DIG सिस्टम के ये भारी भरकम अधिकारी शहर में ताबड़तोड़ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगा पाएंगे या नहीं। हारी हुई विधानसभा सीटों पर वापस अपना कब्जा जमाने के मकसद से भाजपा ने चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा देपालपुर विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं का विशाल सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। सम्मेलन के जरिए भाजपा मतदाताओं को अपनी ओर करने के लिए मैदान में आने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जिन विधानसभा क्षेत्रों में हार का मुंह देखना पड़ा, उन विधानसभाओं से कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत करते हुए भाजपा चुनावी तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में रविवार को देपालपुर में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए देपालपुर के पूर्व विधायक मनोज पटेल ने बताया कि सम्मेलन के माध्यम से मतदाताओं को पार्टी की प्राथमिकताएं बताई जाएंगी। पटेल ने इस दौरान देपालपुर के विधायक पर कई आरोप भी लगाए। पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, बल्कि जनता को परेशान ही किया है। कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के माध्यम से पुनः मिशन 2013 का आगाज करने जा रहे हैं, और उसी संदर्भ में कल देपालपुर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हजारों हजार कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप की तो हर पार्टी के नेता की आदत में शुमार हो चुका है। अब देखना होगा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित कर हारी हुई कितनी सीटों पर कब्जा कर पाती है। इंदौर जिला कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी के कारण विवाद की नौबत खड़ी होती जा रही है। शनिवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंतर सिंह दरबार के विरोधी गुट के नेताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय कक्ष का ताला तोड़कर नया विवाद खड़ा कर दिया। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत पाल के समर्थक सोहराब पटेल शनिवार की सुबह अपने चंद साथियों के साथ कार्यालय पहुंचे और ताला बंद मिलने पर हो हल्ला मचाया। बाद में अपने साथ लाए हथौड़े से ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद कमरे में मीटिंग भी की। यहाँ पे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं, तो इसको लेकर इनको निमंत्रित किया गया। हम आभारी हैं कि वो यहाँ पे आए और बैठक की अध्यक्षता उन्होंने स्वीकार करी। ताला तोड़ने के संबंध में पटेल ने दलील दी कि अध्यक्ष दरबार से मीटिंग के लिए चाबी मांगी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अक्सर कार्यालय बंद रहता है, इसकी शिकायत के बाद भी अध्यक्ष ध्यान नहीं देते हैं, लिहाजा नाराज कार्यकर्ताओं को गुस्सा निकालना पड़ा। नहीं, खुल रहा था या किसी कारण, अभी उनकी व्यवस्था के कारण अभी उनका पीएव या कहीं तबीयत वबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आए थे। इसलिए आज मीटिंग करना थी, जिला कांग्रेस के लोग उनकी सहमति से ही हुई है सब। ये उनसे बात कहना है कि आपने उनकी सहमति से ताला खुलाया? जी जी, उनकी सहमति उनसे बात करना है कि उनसे कोई सहमति नहीं ली गई। जी नहीं, उनसे सहमति बात करके ही गौरतलब है कि जिला कांग्रेस में मौजूदा अध्यक्ष अंतर सिंह दरबार और पूर्व अध्यक्ष हेमंत पाल के बीच ठनी हुई है। उनमें शव और मात का खेल भी चल रहा है। शनिवार की घटना इसी से जुड़ी है। खबर है कि इस घटना के बाद दोनों गुटों में और भी विवाद गहराएगा। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में जरूरत से ज्यादा व्याख्याता होने से महाविद्यालयों में विकट स्थिति खड़ी हो गई है। कॉलेजों में न केवल वेतन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अव्यवस्थाएं फैलने से सबसे ज्यादा परेशान कॉलेज के प्राचार्य हो रहे हैं। परेशान प्राचार्यों ने निजात पाने के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा का दरवाजा खटखटाया है। इसी के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों से अतिशेष व्याख्याताओं की जानकारी मांगी है। प्रदेश के उन सरकारी महाविद्यालयों में व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं जहां पर जरूरत से ज्यादा व्याख्याता है। जरूरत से अधिक व्याख्याता होने से वेतन की व्यवस्थाएं तो गड़बड़ा रही हैं, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। कॉलेज के प्राचार्यों के समक्ष दिक्कतें यह है कि अधिक व्याख्याताओं से कैसे काम ले। कॉलेजों में यह नौबत इसलिए खड़ी हुई क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग ने व्याख्याताओं के स्थानांतरण तो कर दिए है, लेकिन पूर्व से जमा अनेक व्याख्याता विभिन्न कारणों से कार्य मुक्त नहीं हुए। इससे कॉलेजों में व्याख्याताओं की संख्या बढ़ गई। ऐसे व्याख्याताओं की भी कमी नहीं है जिन्होंने जोड़ तोड़ करके न केवल मनपसंद कॉलेजों में अपना तबादला करवा लिया है, बल्कि कई ऐसे भी हैं जो तिकड़म के चलते कार्य मुक्त नहीं हो रहे हैं और तबादला रुकवाने की जुगाड़ जमाए हुए हैं।
उदाहरण के तौर पर इंदौर के शासकीय आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में 9 व्याख्याता अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार होलकर कॉलेज में तबादला होने के बावजूद 2-3 व्याख्याता कार्य मुक्त नहीं हुए हैं। इधर जरूरत से ज्यादा व्याख्याता होने से परेशान महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने खड़ी हुई दिक्कतों से आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को अवगत कराया है। आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ने समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को पत्र लिखकर कॉलेजों से अतिशय व्याख्याताओं की जानकारी मांगी है। इंदौर उज्जैन संभाग के प्रभारी अतिरिक्त संचालक के जान ने इसकी पुष्टि की है। नहीं, आयुक्त उच्च शिक्षा से हमको लेटर प्राप्त हुआ है कि अतिशेष सहायक प्राध्यापकों और प्राध्यापकों की जानकारी इकट्ठी करके कलेक्ट करके हमको आयुक्त उच्च शिक्षा को भेजना है और वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसको भोपाल भेजेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ये चाहता है कि जितने भी अतिशेष प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक इंदौर उज्जैन संभाग में कार्यरत हैं उनकी जानकारी उनको मिले। कुछ प्राचार्यों ने बिना देर किए अतिशेष व्याख्याताओं की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को भेज दी है। जून 2012 को पलासिया मस्जिद के पीछे हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया। खुलासा करते हुए क्राइम ब्रांच ने मृतक के 2 दोस्तों को ही गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शराब पीने के दौरान हुए मामूली विवाद के बाद अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से ही एसएसपी एसआई मनोहर ने अज्ञात आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम की घोषणा भी की थी। 7 जून की सुबह पलासिया मस्जिद के पीछे संजय पिता बाबूलाल चौहान उम्र 24 साल निवासी मूसाखेड़ी की सर कुचल कर हत्या कर लाश जला दी थी। पुलिस को मृतक युवक की पहचान करने में काफी मशक्कत करना पड़ी थी। क्राइम ब्रांच ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक के दोस्त भारत पिता दीपक हरिजन और विजय पिता दिलीप हरिजन निवासी हरिजन कॉलोनी को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने हत्या करना कबूल लिया। कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी हेडक्वार्टर के अनुसार घटना के बाद से ही क्राइम ब्रांच तुकगंज पुलिस इस अंधे कत्ल को सुलझाने में लगी थी। एएसपी राय के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि मृतक संजय से उनकी 1 साल पहले से दोस्ती थी। वही घटना की रात तीनों साथ घूमे और पलासिया मस्जिद के पीछे बैठकर शराब पी। उसी दौरान मामूली विवाद के चलते आरोपियों ने पहले तो मृतक संजय का सर पत्थर से कुचला और बाद में पहचान छिपाने के लिए इसे कंबल में लपेट कर जला दिया। पलासिया चौराहे के पास मिले थे, शराब पीने को लेके गीता भवन की तरफ गए थे। वहाँ पे जाके एक महिला से इन्होंने शराब पी, उसके बाद फिर घटनास्थल पे आके इन्होंने शराब पी और छोटे से आपस में गाली गलौज को लेके विवाद हुआ। कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं मिला है इनके बीच में रंजिश का। उस विवाद के बाद उन्होंने वहीं घटनास्थल पर पत्थर रखे हुए थे, उन पत्थरों से मृतक के सिर पर वार किया था। मृतक की पहचान छुपाने के लिए उन्होंने उस पर कंबल ऑटो में रखा था, उस ऑटो में से कंबल निकाल के और उसको उन्होंने जलाने का भी प्रयास किया। पकड़े गए आरोपियों को आगामी कार्रवाई के लिए तुकगंज पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने बुधवार को पति, सास, ससुर, देवर और पड़ोसी को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। मामले में केस की सुनवाई के दौरान ही सास की मृत्यु हो गई थी। आदर्श इंदिरा नगर निवासी वैशाली कसेरा को उसकी सासू मंजू कसेरा ने 18 अक्टूबर 2008 को घासले डालकर माचिस से आग लगा दी थी। वैशाली चिल्लाते हुए घर से बाहर आई तो मोहल्ले वालों ने उस पर कंबल डालकर आग बुझाई थी। एमवाई में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस कृत्य के लिए न्यायाधीश भावना साधौ ने पति युगल कसेरा, ससुर ब्रजमोहन, सास मंजू, देवर महेश और पड़ोसी राम दुलारे यादव को 10-10 साल की सजा सुनाई है। शासकीय अभिभाषक विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि केस की सुनवाई के दौरान ही सास मंजू की मृत्यु हो गई थी। दिनांक 18-10-2008 की है, अपराह्न 2 बजे की। ये मृतिका वैशाली अपने घर पर बर्तन साफ कर रही थी, तब उसकी सास मंजू बाई ने उसके ऊपर लोटे से घासलेट डालकर उसे माचिस बताकर उसको जला दिया था। और उसके परिवार वाले उस मृतिका का पति युगल किशोर, उसका ससुर ब्रजमोहन और उसका देवर महेश तथा मुँह वाला मामा राम दुलारे, ये सब लोग मृतिका को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और दहेज में सोने की अंगूठी तथा सोने की चेन व घर बनाने के लिए पैसे की मांग करते थे और इस कारण से उसके साथ मारपीट करते रहते थे और इसी कारण से इसको जलाकर मार दिया गया था। मामले में न्यायालय ने आरोपियों को 1,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
विक्रेता संघ ने फैट सिस्टम को सही मानते हुए सावेर स्थित दूध उत्पादन करने वाले किसानों पर आरोप जड़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि फैट सिस्टम से कोई भी दूध उत्पादन करने वाला या दूध बेचने वाला व्यापारी मिलावट नहीं कर पाएगा, जिससे सबसे ज्यादा उपभोक्ता को फायदा पहुंचेगा। शनिवार को दुग्ध विक्रेता संघ ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के दायरे में आने वाले फैट सिस्टम को सही करार दिया है। विक्रेता संघ के अध्यक्ष के मुताबिक प्रदेश में सभी शासकीय और प्राइवेट कंपनियों में फैट सिस्टम के तहत उत्पादकों से दूध खरीदा जाता है, लेकिन सावेर रोड के किसानों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते मावा सिस्टम के आधार पर दूध बेचने का प्रण लिया है। शहर में दूध बेचने वाले व्यापारियों की माने तो फैट सिस्टम से मात्र 30 सेकंड में दूध की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है, साथ ही दूध में मिलावट करने वाले क्रेता विक्रेता को आसानी से जांच कर पकड़ा जा सकता है। वास्तु स्थिति यह है कि फैट प्रणाली जो है वैज्ञानिक पद्धति की प्रणाली है, पूरे विश्व में, पूरे देश के अंदर, इंदौर को छोड़कर प्रदेश के अंदर, इंदौर के आसपास छोटे जो शहर हैं जैसे उज्जैन, धार, देवास, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सब जगह फेट प्रणाली से दूध का क्रय विक्रय हो रहा है। वह शासकीय उपक्रम हो या जितने प्राइवेट प्लांट हैं, अमूल सांच है, सौरभ है, मंथन है या साची है, ये सब दूध का क्रय विक्रय फेट प्रणाली से कर रहे हैं। फेट प्रणाली वैज्ञानिक पद्धति की प्रणाली है, इसमें 30 सेकंड के अंदर रिजल्ट मालूम पड़ जाता है कि दूध किस गुणवत्ता का है। साथ ही साथ उसमें यह भी पता लग जाता है कि मिलावट में यदि सपरेटा दूध मिलाया गया तो भी पता लग जाता है कि इसमें सपरेटा दूध मिलाया गया और किस क्वांटिटी में, और यदि पानी मिलाया गया तो किस क्वांटिटी में। इस प्रणाली से उपभोक्ताओं के हित में जो राज्य शासन और केंद्र शासन ने जो अनिवार्य करा है कि क्रय विक्रय फेट प्रणाली से किया जाए, जिसका रिकॉर्ड रखना उत्पादक और विक्रेता दोनों को जरूरी है। साथ ही साथ राज्य शासन ने यह भी नियम बनाया है कि उत्पादक और विक्रेता दोनों का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। यदि दोनों में से किसी एक का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो दूसरे का स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। वही सावेर में दूध उत्पादन करने वाले किसान मावा सिस्टम के आधार पर दूध बेचने के लिए अड़े हुए हैं, जबकि विक्रेता फैट सिस्टम से दूध खरीदने के लिए राजी हैं। हम चाहते हैं कि जो प्रणाली फैट प्रणाली जो सरकार राज्य सरकार ने जो लागू करी है उससे हमें दूध मिले, और हम चाहते हैं कि उस प्रणाली से जो हमारे बंदी वाले हैं उनको हम जो दूध देंगे वो एकदम अच्छा दूध आएगा और उसके क्वालिटी के पैसे भी मिलेंगे। बहरहाल इंदौर दूध विक्रेता संघ ने फैट सिस्टम के तहत दूध का उचित मूल्य किसानों को अदा करने की बात पर जोर दिया है। पति की लंबी आयु और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के साथ महिलाओं ने शनिवार को निर्जल रहकर सातुड़ी तीज का व्रत रखा। वहीं अविवाहित लड़कियों ने भी इस व्रत को रखकर अच्छे वर की कामना की। इस दौरान जगह जगह महिलाओं ने सामूहिक रूप से तीज का पूजन किया और खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की। रंग बिरंगे परिधानों के साथ आकर्षक श्रृंगार में सजी धजी महिलाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ सातोड़ी तीज का पर्व मनाया। पति की लंबी आयु और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए सुहागिन महिलाओं ने दिन भर निर्जल रहकर तीज का उपवास किया। इस दौरान महिलाओं ने आकर्षक सत्तू और मेवे से बनी सिंजारा की थाली भी तैयार की। तीज पर्व का महत्व बताते हुए महिलाओं ने कहा कि इस दिन मुख्य रूप से नीम की डाली की पूजा और मिट्टी का कुंड बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हम नीमड़ी की पूजा करते हैं और रात को साथी पासते हैं और दिन भर हम लोग कुछ भी नहीं लेते हैं, तो इसी के लिए पूजा है। देखिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए हम ये व्रत करते हैं और इसका यही इम्पोर्टेंस है। दिन भर सभी औरतें कुछ भी अन्न नहीं लेती हैं और फिर रात को सातु पिंडे वगैरह खास के और उसके बाद फिर हम लोग भोजन करते हैं, और कुछ कुछ लोग तो भोजन भी नहीं करते हैं, सिर्फ सत्तू को ही पूरा दिन निकालते हैं। व्रत के दौरान महिलाओं ने सामूहिक रूप से कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की और तीज के गीत भी गाए। रात में चंद्र को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं सत्तू खाकर व्रत खोलेंगी। हिंदी साहित्य समिति में साहित्यकार हरिराम वाजपेयी की पुस्तक तानाबाना का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में कवि ने प्रकृति, समाज और देश से जुड़ी कई घटनाओं का उल्लेख कविता, काव्य और गजलों के माध्यम से किया है। तानाबाना के बारे में जानकारी देते हुए साहित्यकार हरिराम वाजपेयी ने बताया कि इस काव्य संग्रह में काव्य और गजलों के माध्यम से घटना और प्रकृति की कई परिवर्तन की व्याख्या की गई है। शीर्षक ये बताता है कि मैं जीवन में जो कुछ भी देखता हूँ
चाहे पैकेज की बात हो, चाहे समाज की बात हो या संस्कारों की बात हो, जो कुछ भोगता हूँ उसको अपनी कविता के शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। इन 14 वर्षों में मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बातें देखी, कुछ उतार चढ़ाव भी आए, और इस देश में देखा है तो विदेश में मुझे लंदन यात्रा का भी अनुभव हुआ, उसको भी मैंने कविता में व्यक्त किया। काव्य संग्रह तानाबाना के लोकार्पण के अवसर पर कवि सत्यनारायण सत्तन, साहित्यकार आलोक रस्तोगी, संस्कृत विद डॉक्टर विनायक पांडे को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। मानव जीवन से जुड़े विभिन्न रूप, ग्रामीण परिवेश और धर्म का संदेश देती चित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ चित्रकार जहूर जरगर ने किया। नवरंग नामक इस प्रदर्शनी में प्रदेश के 10 महिला कलाकारों ने हिस्सा लिया है, जिन्होंने रंग और ब्रश की मदद से सुंदर चित्र दर्शकों के लिए प्रस्तुत किए हैं। प्रीतमलाल दुआ सभागृह में चित्रों की प्रदर्शनी का शुभारंभ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के डीन जहूर जरगर ने किया। चित्रों की प्रदर्शनी में कलाकारों ने बड़े ही सुंदर रंगों का उपयोग करके जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्रदर्शनी में मनुष्य और फोक आर्ट का मिश्रण कलाकारों ने दिखाया, तो कहीं भगवान बुद्ध शांति का संदेश देते दिखाई दे रहे हैं। चित्रकारों ने महिलाओं के विभिन्न रूप को भी दर्शाया है। प्रदर्शनी में भाग ले रही चित्रकार रेखा सिंह ने बताया कि उन्होंने चित्रों के माध्यम से महिलाओं के कई रूपों को दिखाया है। वही प्रदर्शनी की आयोजक वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि धीरे धीरे फोक आर्ट छुपता जा रहा है, जिसे नए कल्चर के साथ दिखाने का प्रयास किया गया है। इस प्रदर्शनी में 10 कलाकारों ने भाग लिया हुआ है और मेरी पेंटिंग बेसिकली फोक एंड ट्राइबल आर्ट से रिलेटेड रहती है, और यहाँ पर जितनी भी प्रदर्शित पेंटिंग है उस पर मैंने संकेतात्मक रूप से चित्रों का चित्रण किया है। ये खत्म नहीं हो रहे हैं, उनके रूप बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, उसमें नई चीज़ें लाने से लोगों में आकर्षण बढ़ता है, लोग नए रूप से इसमें जुड़ के अपने अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपने विचारों को समझते हैं। पूरे इस शो में हमने एक लाइट माइंडेड ग्रुप का रंग रेखा नाम का एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है। हमारा मुख्य मोटो ये था कि जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जिनमें अपने आर्ट विजन बहुत है लेकिन वो सीनियर आर्टिस्ट के साथ कहीं पर थोड़ा आने में झिझकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं, सारे लोग सोलो पेंटिंग्स लगा नहीं सकते, तो मैं उन लोगों को प्लेटफॉर्म दूंगी, एक हमारा ये मोटो था। दूसरा, हर आदमी को अपने अपने फीलिंग्स प्रकट करने का, साथ के साथ हम लोग एक ऐसी भावना के साथ मैंने ये रंग रेखा का स्थापना करी थी। प्रदर्शनी में स्कल्पचर्स को भी प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी को निहारने आए दर्शकों के मुताबिक रंगों का सही प्रयोग और कला को दर्शाने का तरीका प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों के माध्यम से सीखने को मिल रहा है। जितने भी कलर्स के टाइप्स हैं यहाँ पर, अभी तक केवल ये पता था कि हाँ इनका यूज किया जाता है, और अभी तक केवल ये दिमाग में था कि ऐसा इसका इफेक्ट होगा, मगर यहाँ जो सारे कलर्स की और पूरे 9 कलाकारों की जो एग्जीबिशन लगी है उसमें हमें ये सीखने को मिला कि किस कलर का एक्चुअल क्या आप यूज़ किस जगह पर कर सकते हो, उसका इफेक्ट अगर देना है आपको तो पर्टिकुलर अगर चीज़ में दोगे तो वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम कुछ भी बनाते हैं तो किसी में भी कोई कलर यूज़ कर लेते हैं, पर यहाँ समझ में आ रहा है कि वो परफेक्ट चीज के लिए कौन सा परफेक्ट कलर यूज में आना चाहिए, तो बहुत सीखने को मिलेगा। संस्था रंग रेखा द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में जिन 10 कलाकारों ने हिस्सा लिया है वो सभी महिला कलाकार हैं, जिन्होंने प्रकृति के साथ साथ मानव जीवन को प्रदर्शित किया है। प्रदर्शनी 6 अगस्त तक सुबह 11 से रात 8 बजे तक खुली रहेगी। कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती ने अपने सहकर्मी प्रेमी के खिलाफ ज्यादती का मामला दर्ज कराया है। दरअसल युवती अपनी प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, इसी दौरान युवती को गर्भ ठहर गया। युवती के गर्भवती होने पर प्रेमी ने शादी का झांसा दिया और एक दिन मौका पाकर भाग निकला। लिव इन रिलेशनशिप में धोखा खाई युवती 9 माह का गर्भ लिए कुछ दिन आश्रम में रही, अब पुलिस की शरण में है। विजयनगर पुलिस के अनुसार सिवनी बालाघाट में रहने वाली 25 वर्षीय सुनीता 2 साल पहले इंदौर में पढ़ाई के लिए आई थी। सुनीता पढ़ाई के साथ साथ कॉल सेंटर में भी काम कर रही थी। करीब 1 साल बाद वहीं काम करने वाले दुर्गा शंकर उर्फ बंटी निवासी शोपुर से सुनीता को प्रेम हो गया और दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकारा। इसी दौरान जब सुनीता गर्भवती हो गई तो दुर्गा शंकर से शादी करने की बात कही, मगर आरोपी शादी का वादा कर सुनीता को 8 माह के गर्भ के साथ छोड़कर फरार हो गया।
विजयनगर थाना प्रभारी कमल जैन ने बताया कि युवती के शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है। एक 25 साल की महिला है सुनेना रामटेके, उसने थाने पर रिपोर्ट की है कि वो यहाँ कॉल सेंटर में काम करती थी, वहाँ उसकी दुर्गा प्रसाद नाम के लड़के से दोस्ती थी, उसके साथ वो रहती थी और उन लोगों ने दोनों ने आपस में शादी का तय कर लिया था, शादी करने का। फिर इसके बाद जो है वो लड़की को छोड़ के चला गया वापस, उसके पेट में करीब 7-8 महीने का बच्चा है, इस तरीके की उसने रिपोर्ट की थी, जिस पे से अपराध धारा 376-506 बी का मुकदमा कायम किया गया। वहीं फरियादी सुनीता को हवा बंगला स्थित अमर सेवा आश्रम में रखा गया है। विजयनगर पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए दल रवाना कर दिया है। आइए अब देखते हैं न्यूज़ फास्ट। अहिल्या उत्सव समिति द्वारा आज शहर में राष्ट्रीय गीतों से सजे प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया। समिति द्वारा यह कार्यक्रम शहर के 4 अलग अलग स्कूलों में करवाया गया था। कार्यक्रम में 40 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रस्तुति दी। शनिवार सुबह नंदानगर में रहने वाले परिवार का मासूम बच्चा गैलरी से नीचे गिरा। दरअसल परिवार की बहनें राखी मनाने के लिए भाइयों के घर आई थी, तभी मासूम नमन खेलते हुए 2 मंजिला मकान की गैलरी से नीचे गिरा। मासूम को गंभीर हालत में विजयनगर क्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर उसे अरबिंदो अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां मासूम नमन की हालत नाजुक बनी हुई है। शनिवार को विशेष न्यायाधीश अवनिंद्र कुमार सिंह ने 11 साल के बालक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। घटना 9 जनवरी 2012 की है। चितावत निवासी आकाश को आरोपी सीमेंट की बोरी लाने के बहाने खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी परिसर के पास की झाड़ियों में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। अदालत ने आरोपी को 1500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। नमस्कार। डंपर व्यवसाय की सनसनीखेज हत्या, हथियारों ने फ्लैट में चाकू से गोद कर उतारा मौत की घाट, शरीर पर मिले चाकू के 6 से ज्यादा निशान। तेज गति से दौड़ रही स्कॉर्पियो ने मारी 3 बाइक सवारों को टक्कर, बाइक सवार 3 लोग हुए घायल, दुर्घटना से लगा जाम। मुस्लिम व बौद्ध समाज ने कमिश्नर को दिया ज्ञापन, फेसबुक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। मुस्लिमों ने आसाम व म्यांमार में हो रही हिंसा पर जताया विरोध, तो वहीं बौद्ध अनुयायियों ने कैलिफोर्निया में जूतों पर भगवान बुद्ध की तस्वीरों का किया विरोध। और बदमाशों की पुलिस को चुनौती, थाने के नजदीक नकली पुलिस बन डॉक्टर को ठगा, वहीं पुलिस की मौजूदगी के बीच अन्नपूर्णा रोड पर महिला से लूटी चेन।